हाल ही में भारत के एक मिसाइल कुछ टेक्निकल एरर्स के चलते गलती से पाकिस्तान में जा गिरी, जिसके बाद कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इसका रिप्लाई करने के लिए सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट भारत के बॉर्डर पर तैयार किया। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हुआ और पाकिस्तान मीडिया ने इस बात को पूरी तरीके से दबा दिया है। लेकिन क्या है ये पूरी कहानी, आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो हाल ही में जो पाकिस्तान के अंदर भारत की मिसाइल गई, उसको कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस गलती को एक्सेप्ट किया और इस बात को पूरी तरीके से वहीं खत्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इस बात को इंटरनेशनल मीडिया में उछाला, लेकिन उन्हें वहां से भी पूरी निराशा हासिल हुई। तो फिर उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना ऐसा एक्सपेरिमेंट हम अपने देश से करते हैं। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट मिसाइल को पाकिस्तान के सिंध, जो कि गुजरात से सटा हुआ एक बॉर्डर है, वहां पर इस परीक्षण को शुरू किया। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ एक तरफ से ये मिसाइल काफी जोरों शोर से उड़ी, लेकिन कुछ देर बाद वो डायरेक्टली नीचे पाकिस्तान में ही जा गिरी, जहां पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि सुबह 11 बजे ये परीक्षण किया जा रहा था कि लॉन्चर एरर्स की वजह से इसको एक घंटे बाद यानी 12 बजे लॉन्च किया गया। और जैसे ही इस मिसाइल को लॉन्च किया गया, कुछ सेकंड बाद ही ये सिंध के थानाबुला के पास जाकर के गिर गई। वहीं पाकिस्तान मीडिया ने इस बात को दबाने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने कहा कि ये कोई मिसाइल नहीं हो सकती है, ये कोई विमान हो सकता है, रॉकेट हो सकती है, या ये कोई गोला बारूद हो सकता है जो किसी ने ऐसे ही हवा में ट्राई किया और जमीन में जाकर के गिरा। लेकिन कुछ मीडिया का ये भी कहना है कि ये सच में एक मिसाइल थी और ये पाकिस्तान वही हरकत करना चाह रहा था जो भारत से गलती से हुई थी। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बिल्कुल असफल रही है। फिलहाल मीडिया ने इस बात को पूरी तरीके से दबा दिया है, लेकिन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है। इसके बदले में इंडियन डिफेंस सिस्टम को क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।